ये भजन जो मैं गाने जा रहा हूँ, ये कोई भजन नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है कल्याण, जिसके अंदर ये एक दिल्ली का वाकया छपा था। इसे आदरणीय जयशंकर जी चौधरी ने भजन का रूप दिया है। एक ऐसी औरत जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, समय अपने रफ्तार से चलता रहता है, समय गुजरता गया, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों के बाद प्रभु की कृपा से बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस औरत ने जब ये देखा कि अब शरीर साथ नहीं देता, अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति खरीदकर अपने साथ अपने घर ले आई और बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए, उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा वाकया हुआ, वो कौन सी घटना हुई, इस भजन के माध्यम से बता रहा हूं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, खिलाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा
दिन में भाग के देखें, रात में जाग के देखें, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखें, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखें। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय समय अपनी गति से चलता रहता है, थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संयोगवश उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर उसे चंदन का लेप लगाकर उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू जो कि एक जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, जब 2-3 घंटे के बाद ये काम खत्म हो जाएगा तब तेरा जो काम है वो होगा। उस औरत ने कहा कि भाई मेरे घर में हमेशा से सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है और आज भी सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का होगा। ये काम करने के बाद तुम और कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में आकर झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से गिर गई और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी उस औरत के दिल से आवाज आई, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने बेटे को बुलाती है और कहती है, क्या जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट नहीं लगती, लेकिन वो एक ही रटन लगा के रखी थी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे कन्हैया को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए, पड़ोसियों ने पूछा भाई क्या बात है, लड़के ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ पागल हो गई है, अरे पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि
बेटा क्यों झमेला करता है? अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी को बुला के ले आ, वो आके देख लेगा और कह देगा तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के के भी समझ में बात आ गई, मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों की मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़े मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया,